सो है गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे तीन शेयरों के ऊपर जहां पर हमें ब्लॉक डील भी देखने को मिलेगी। जैसे आज आपने इजी माई ट्रिप में देखा होगा 8.5% स्टेक बिका तो स्टॉक में कितना हाहाकार मच गया, स्टॉक 20% तक क्रैश हो गया। तो कल तो आप लोग देखोगे आज तो 8.5% स्टेक बिका, यानी कि 622 करोड़ की ब्लॉक डील थी। लेकिन जो कल ब्लॉक डील होने जा रही है वो छोटी मोटी नहीं है, वो 4317 करोड़ की है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो 622 करोड़ के बजाय 4317 करोड़ की, और 8% नहीं भाई, यहाँ पर बिकेगा 19% स्टेक। तो आप लोग खुद भी अंदाजा लगा सकते हो स्टॉक में कितना बड़ा फॉल हो सकता है। बताएंगे डिटेल में कौन सा है, और इसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल है उसके रिगार्डिंग भी खबर आई है। कंपनी ऑफर फॉर सेल लेकर आई है, स्टॉक 5.5% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो स्टॉक यहां पर भी गिरावट होगी। और इसके अलावा आप लोग देखोगे एक कंपनी और है जिसके ऊपर USFDA ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जैसे ग्रेन्युअल्स में आपने देखा होगा बड़ी गिरावट बनी थी जब USFDA की 6 ऑब्जर्वेशन मिले थे, वहां पर कुछ आपत्तियां मिली थी भी उसको लेकर जब बताया तो स्टॉक्स में गिरावट बनी। तो यहां पर तो आप लोग देखोगे एक और फार्मा सेक्टर के ऊपर USFDA का अपडेट आ गया, जो भी आपत्ति है वो आई है, और इसकी वजह से ये स्टॉक भी कल क्रैश होएगा। तो कौन सा स्टॉक है चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो अभी आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स का जो शेयर है वो आज 2% गिर के 520 रुपए के भाव में बंद जरूर हुआ है, लेकिन कल स्टॉक में एक बिग फॉल बन सकते हैं जैसे ग्रैनुअल्स में रहा, क्योंकि USFDA से आप लोग देखोगे फार्म 483 में 7 जो इंस्पेक्शनल ऑब्जर्वेशंस हैं वो मिले हैं। तो ये स्टॉक कल के दिन क्रैश होएगा, ध्यान रखना भाई। इसके अलावा वो दो कौन से शेयर चले वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखोगे भी ये खबर हमें देखने को मिले बाजार खुलते ही कल, यहाँ पर 6% स्टेक जो प्रमोटर्स वो अपना बेच रहे हैं। और क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि देखो भाई जो मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको वो रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी बेच रही है ASK ऑटोमोटिव लिमिटेड, ये जो स्टॉक है वो 450 रुपये पर गया अभी पिछले 7 महीने से, आप लोग देखो तो 250 रुपये से 450 रुपये के भाव में शेयर आया है। और आज स्टॉक में हल्की फुल्की सी हमें जो बढ़त है वो देखने को मिली है, और 467 रुपये के भाव पर शेयर क्लोजिंग लिया है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स 6% स्टेक बेच रहे हैं, और ये आप लोग देखोगे भी ऑफर फॉर सेल डिस्काउंट के ऊपर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल का प्राइस रखा गया है वो 433 रुपये है, जबकि 467 रुपये पर क्लोजिंग आई है। तो 467 रुपये के भाव पर नहीं तो 433 के भाव पर बिकेगा, और 16-17 तारीख को ये खुलेगा भी, और 26 और 27 को। और FII यानी कि विदेशी जो संस्थागत निवेशक है मार्च के मुकाबले आप लोग देखोगे 4.48% जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा करके 4.91% की है। तो ये स्टॉक कल हमें ग्राउंड में दिखाई देने वाला भी, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में माल बिकेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखोगे ब्लॉक डील की जो खबर है वो CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें देखने को मिली है। तो कौन सी कंपनी है जो बड़ा हिस्सा बेच रही है, आज स्टॉक में 4.5% की रैली थी और 808 रुपये के भाव में बंद हुआ है। कल होगा यहाँ पर भी आहाकार जैसे इजी माई ट्रिप में हुआ था। तो कंपनी का नेम यहाँ से देख सकते हो कि 5 Star Business Finance है, या 5 Star Business Finance है, और एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है कल के दिन। सूत्रों ने CNBC आवास को इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक प्राइवेट इक्विटी फंड्स ब्लॉक डील के जरिए जो NBFC में अपना हिस्सा बेच सकते हैं। तो आप लोग देखोगे आज स्टॉक में कैसा एक्शन रहा था 5 Star Business में, ये देखोगे भी 19.22% जो हिस्सा है वो बिकेगा और बेचने वाले हैं ये। ठीक है, और ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस जो अभी 768 रुपये तय किया गया है, जबकि 808 रुपये के भाव पर बंद हुआ शेयर, यानी कि फ्लोर प्राइस आप लोग देखोगे 5% डिस्काउंट के ऊपर है। और ये 4317 करोड़ की ब्लॉक डील है, 19% स्टेक बिक रहा है, और कोटक सिक्योरिटी इसका ब्रोकर है भाई, कोटक सिक्योरिटी जो है इसका ब्रोकर है। तो ये खबर है, इस खबर के चलते कल ये तीनों स्टॉक हमें बड़े एक्शन में दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखना, अगर शॉर्ट करने का मौका मिले तो भाई जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।